बात तो थोड़ा स्लोली हो गई, आई एम नॉट वेल नाउ, पर आपने जो इतना सपोर्ट प्यार दे रहे हो तो इसलिए मुझे वीडियो तो बनता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कर दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब आई एम नॉट इन ब्लॉकिंग मूड, मतलब मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, मतलब बाथरूम जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मतलब इतना मेरी लाइफ में निकली है तो पेट भी दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, फिर भी आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो तकलीफ नींद भी आ रही थी तो वीडियो करके मैं नींद लूँगा तो उसके बाद चलो तो मैं लॉस भी कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाला तो फाइनली आई, तो बहुत दिन मेरे को बोला था तुम वीडियो नहीं ला रही, वीडियो तो बात है कि एक्चुअली मेरा दिमाग आई वॉज रियली मेंटली डिप्रेस्ड, बिकॉज जो मेरा माशू का काइनेटिक बंदा जो मैं जुनून इश्क मोहब्बत जो भी बोला, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सोचोगे कि एक्टिवा मैंने ख़रीदा है तो मैं सब भूल जाऊँगा, तो ये बात कभी मत सोचना कि वो एक मेरा लव है, मतलब उसके बिना मैं रह नहीं पाता। जैसे आप देखे थे मैंने बोला था कि वो जो कबीर सिंह जी से जो कियारा आडवाणी के लिए जो प्रीति जो कियारा है शायद कभी कियारा आडवाणी के लिए चला गया पागल की तरह हो गया, मैं भी ऐसी हालत है तो मेरा भी हालत हो गया था। तो मेरा थोड़ा मेन पॉइंट से बता दो, तो इससे मैं इतना जो झमेला हो गया कि मैं दो तीन चार दिन से मैंने खाया नहीं, मतलब ये मैं सोचो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस व्यूज़ बनाने के लिए सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मैं रात को भी कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ घूमर और पानी और कोल्ड ड्रिंक्स बस, और खाना वाना कुछ भी नहीं, मतलब नहीं खा रहा, फुल्ली मैड और फुल्ली मेंटली डिप्रेस टाइप एकदम। सो वही हालत हुआ था काइनेटिक फंडा की वजह से, मतलब आ नहीं रहा मेरा, नहीं तो पापा भी कॉल नहीं किया था, उसके बाद गुस्सा आ गया था, तब जो मैं एक्टिव सीख गई मैं वीडियो में करूँगा उसमें देखना, मेरा थोड़ा स्क्रैचेस लग गया बॉडी में थोड़ा, तो वो कैसे लगा वो भी बता दूँ कि उस मेरे पापा की आदत है, गंदा आदत जो है जब स्कूटी चलाता है ब्रेक दबा दबा के चलाते हैं, तो इस पर मैंने बहुत ही चलाया है इस पर स्कूटी, दो हफ्ते अराउंड हो चुका है, तो उसमें मतलब ब्रेक दबा दबा के चला रहा है, उसके बाद क्या शू है तो घिस रहा है ना, इस बार मैं जब ट्यूशन ले गया था अपना स्कूटी लेकर, ट्यूशन से घर आते तो क्या ब्रेक पूरा नीचे हो गया, उस समय मैंने गलती की, मैंने बुढ़ा आदमी हाँ बुरा आदमी उसके पैर के ऊपर गलती मारे चला दी, मैं शादीशुदा का तो चल रहा था फंक्शन रोड में होता है ला 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 ला, पता है ना वही जो होता है जो भी, तो चला गया उसके को बुरा आदमी के बुढ़ा आदमी के पैर के ऊपर चला दिया, एक दादू बदू के दादी टाइप का उम्र का आदमी के ऊपर चला दिया, मगर वो शरीफ से इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, मैं तो दूसरा आदमी तो खराब आया जूते से वहाँ पर मेरा पूरा छुट्टियाँ काटी है, मेरा कुछ हरा दी जो समझ सकते हो पब्लिक पावर इज मोर देन द पुलिस पावर, सो उसको तो पता है देखा हालत, तो उसके बाद जो हालत हुआ मतलब थोड़ा उल्टी से लगा, उल्टी हो गया तो मैं बच गया सारा और अच्छा लगेगा, नहीं और बाद में बोला था उसके बाद हुआ, मतलब मैं आई तो लिटरली मैं मतलब पागल जैसा हो गया था, उसके बाद पापा जैसे तो ब्रेक दबा के चिल्लाया उस दिन, उसके बाद उससे फिर से पकड़ा पापा बोल रहे कि ये वगैरह, उसके बाद चिल्लाया उससे हेलमेट भी नहीं पहन रहा था, उससे निकल रहा था गुस्से के मारे, उसके बाद मैं काइनेटिक फंडा ले गया, काइनेटिक फंडा इतना पागल हो गया था कि उस दिन मैं गलती का गुस्से के मारे एक्टिवा के ऊपर मैंने लात मार दिया, उसके राइट बॉडी में गुस्से लात मार, तो थोड़ा सा डेंट टाइप हो गया, डेंट हो गया थोड़ा, उसको ठुक के भी मार दिए थे, ठुक ठुक के उसको ठीक किया जाएगा, फिर उसको अपने चेक करने पर राइट लेफ्ट वाले बॉडी उसका इतना छोटा सा क्रैक हो गया, क्रैक लगे हुए बड़ा एक स्क्रैच आ चुका है, और लेफ्ट का वहाँ का बॉडी भी, बिकॉज बात है इतना लात मारा था जोर से, जूता पहना हुआ था जोर से फाट करके लात मारा, तो पापा को उन्होंने पापा भी तो चिल्लाया कि बोला है क्या की कुछ, और जो बंगाली में बोलते हैं कि मैं मतलब बंगाली में बोला भी मैं जो हिंदी में बोलना चाहती क्या कर रहे हो, नया गाड़ी में लात मार रहे हो, तो मैं खुद का नाम है क्या कहते हैं न्यू स्कूटर में लात मार रहे हो, आई बिकम फुल्ली मैड, मैं पागल जैसा हो गया था, उससे खाना नहीं खा रहा था, मैं पागल जैसा हो गया था, मैं सच में पागल ही हो गया था बोलते, और इतना खाल ख्याल था दरवाजा जोर जोर से ठुक ठुक के बंद कर रहा था, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था, तो उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया मेरा, मतलब आई एकदम मैड, मतलब मेरा तो काइनेटिक फंडा मैंने इश्क जुनून मोहब्बत मेरा लाइक माई डार्लिंग एवरीथिंग, मतलब वो मेरा पता नहीं अलग से मैं सोचा कुछ दिन मैं बच पाऊँगा, बस अलग ये मतलब मेरा इतना हालत हो गया, मतलब एक्टिवा के लिए उसी दो दिन का ही खुशी है, वैसे दो दिन का खुशी, सो इसीलिए मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मतलब काइनेटिक फंडा के बिना मैं जी नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, तो एक सीन हो गया, तो
उसके बाद मैं भी तो मतलब मैड हो गया था, मतलब जिसे मैं वीडियो में एक्टिव नहीं था यूट्यूब में, मतलब खुद के मैं संभाल नहीं पा रहा, तो आप लोग को क्या संभाल के मैं वीडियो करूँ। सो इसीलिए मैं सॉरी उसके लिए। तो और एक बार तो मेन हुआ तो कुछ दिन से मैंने खाया नहीं था, खाया नहीं था। उसके बाद मैं मतलब तबीयत मेरा पूरा ख़राब हो चुका था, तो उस समय तो मैं उल्टा रथ जो रथ जाता था, रथ जाता दो होता है, एक सीधा रथ एक है उल्टा रथ। तो सीधा रथ में तो मैं गया था ही, उल्टा रथ में मैंने नहीं गया गुस्से के बारे में। स्कूटी लेके बैग जो मैं गया एक्टिवा लेके, जैसे मैं अविनाश था जो जिससे मैंने बैग नहीं लिया था, जानते अविनाश था को, तो उसको दिखाया मैं अपनी स्कूटी। तो उसके बाद मैं सोचा राजीव तक भी दिखाऊंगा, बिकॉज जिस दिन बोला था ना अपमान हिसाब से बात करता है, तब जहाँ सर जब मैं बोला कि मेरा दो स्कूटर है, एक स्कूटर है, मेरा कैंडी होंडा इतना सब के मैं मेंटेन किया सब बेल तला रजिस्ट्रेशन बोला था, उसके बाद तो उसका हवा ही निकल गया, छोड़ो बात की बात। तो उससे तो वो गया था तारापीठ, जैसे मैं अविनाश दा को दिखा बोला बहुत अच्छा स्कूटर है, ये है वो है। तो एनी वेज तो उसके बाद घर आ गया, घर आ गया तो स्कूटर को रख दिया। मैं मेरे को पागल जैसा हो गया था एक सब छत से छक्की में, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया था क्या बताओ। मैं दादू का भी याद आ रहा था, तो दादू की मैं दादू मेरे का बहुत प्यार करता था, तो दादू का भी मिस कर रहा था, इसीलिए तो ये हालत हो गया था। मैंने काइनेटिक कर रहा है, अगर इतना पागल बन गया था मैंने, मतलब क्या बोलूँ। तो यही हालत था, मतलब उसके बाद में स्कूटर में हुआ नहीं, तो उसका दिमाग ख़राब हो रहा है मेरे को। काइनेटिक बनना जो है मतलब निकाला मैंने, मैं कहीं करूँगा उसका मैकेनिक मेरा। तो उसके बाद मैं मंगलवार को निकला डैड के साथ, तो जैसे सोमवार को मैं गया तो वहाँ पे राजीव दाद जिला एक आदमी थे, उनकी वो भी जी दाग देखे थे सब सुअर कॉलर कुत्ता छोटा सारा। हमको बोलता है कि वो काइनेटिक को बोलता है डब्बा गाड़ी, वो डब्बा गाड़ी को बेच के ये लिए हो, बस जो जूता खुल के साला मारेगा वो मार चुके, उनको बहुत गाली मारा था उसने। तो राजीव दादी हंसने लग गए, तो राजीव दादी देखा मैंने उसको कितने का लगा सब पूछ रहा है मेरे को, तो ये अच्छा एक अलग ही रिएक्शन था। तो मैंने भी शॉप पे बोल दिया कि मेरा इतना किलोमीटर मेरा चल चुका है, अभी मेरा चल चुका है अराउंड 350 किलोमीटर, 350 से ज़्यादा ही हो गया है किलोमीटर रन कर चुकी है मेरे का एक्टिवा। सो मतलब मैं स्कूटी बहुत ही चलता है मुझे तो सच में। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब था उसके बाद, तो मतलब मैं गया था मंगलवार को निकला, तो उसने मम्मी बोली कि इतना प्रॉब्लम हो रहा था काम करो, जो एक बार जो याद है फिरोज भाई का काम में तो सलीम भाई के पास भेजा था बच्चे याद होगा, जिन्होंने मेरा जो क्रैंक शाफ्ट और सिलेंडर पिस्टन चेंज किया था, जिसका मैं वीडियो पे देखा था जहाँ मैंने छुट्टी है फिर मेरा आपने टूटी गया 40 वाल दिया था। तो उसके बाद गया तो वो तो बकरीद की वजह से वो तो गायब है। उसके मैं वेलिंगटन में गया था क्योंकि दूसरे आदमी क्या इकबाल भाई जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद मैंने कैनेडी होने का बियरिंग भी चेंज किया था, उसके बाद जो ब्रेक शू भी चेंज किया था। तो उसके बाद गया तो वेलिंगटन में, तो वहाँ पे पापा ये तो आप पूछा दिनेश प्रदीप अपने दुकान जब है उसके पास ही वहाँ पे दुकान है वहाँ पे उनसे जो है वो लोग बोला कैनेडी फंड गाड़ी को हम काम करना दूर के बाद एक बूंद का हाथ भी नहीं लगाते बिकॉज सब गाड़ी का पार्ट्स नहीं मिलता वगैरह वगैरह, पार्ट्स ला भी दोगे फिर भी हम काम नहीं करेगा। तो बोला ठीक है। तो ये आदमी तो सब छुट्टी कर बोल रहा कि ए वो सब गाड़ी को छोड़ो वो सब बातिल करो। तो कवाड़े में मल्लिक होता जो जानते मैंने बोला था कोलकाता में सबसे फेमस शॉप है मार्केट है जहाँ पे तुम सेकेंड हैंड से पार्ट्स मिलता है, सब सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह बेचता है सब गाड़ी जो स्क्रैप मार्केट एरिया में। तो हम स्क्रैप पर एक्टिव ही काफ़ी है था, मैंने भी कम नहीं मुँह में गाली मारा था साले के ऊपर, मुँह में से बड़ा मुँह का जूता बेटा को मतलब जिसका मतलब है मुँह में से जूता मारेगा। तो लास्ट में तो उसे क्या है इकबाल भाई के पास गया, तो वो बोला कि मेरे पास एक इंजन है मतलब एक ओनर का जिन्होंने मतलब खरीदा था, खरीद के बाद 2 हफ्ता यूज़ करके गाड़ी को यूज़ नहीं किया, घर पर आओ ऐसे गराज में। तो मैंने बोला ठीक है, तो जरूरत कितना लगेगा तो 8,000 रुपया लगेगा और 2,000 रुपये लेना ठीक है। तो दिन में नेक्स्ट डे जाते हैं पेमेंट देके करेंगे। तो पर तो क्या कुदरत का करिश्मा देखो, और उस दिन ही प्रदीप को घर में एंट्री मारा कल। तो आया आके बात किया ये वगैरह ये वो, तो इंजन तो खोला तो बोला दोनों का जो बॉडी पूरा जो बॉडी में इसका पूरा इंजन 8 पीसेस में 7 to 8 पीसेस में पूरा बोला, मतलब दोनों मतलब बहुत एक अच्छा कर्म कांड कर दिया भाई गाड़ी का, मतलब इतना मतलब क्या बोलो अफसोस की बात यार। तो वो जो इंजन मैंने दादी ने लिया था वो उससे मैंने दादी ने बोला था कि इतना उस पैसे पर हूँ उतना मैं और नहीं दे सकता। तो वो क्या किया उससे ग्लव शू और ब्रेक शू खरीद लिया नेक्स्ट टाइम, पर उसके बाद डाले तो वो डाला हो गया।
सर सेंट्रल लाइब्रेरी में गया जहाँ उनके साथ में इंजीन बना था ना, 200 किलोमीटर चला हुआ था, बिग बिग किया वो कुछ दूर की बात। तो प्रदीप अभी इंजीन ढूंढ रहा है तो अभी कोविड की वजह से नहीं मिल रहा है, अभी कोविड भी तो फिर भी अभी है, फिर बहुत जन को मतलब डर अभी भी कोविड में दे नहीं मिल अगर मिलेगा अभी कोई दे नहीं रहा है, छुट्टियाँ ही कर रहा है कंपनी वाले जो शोरूम वाले वो इतना छुट्टियाँ बन गया क्या बताऊँ कंपनी। तो एनी वेज तो तकदीर सी नहीं रहा इसलिए मैं इसका आँख बंद कर दिया, उसके बाद जो होता है ना तो उसके बाद बात किया मेरे को तो मैं प्रदीप का उसके बाद वो लॉन्ग स्टोरी बाद में कभी फिर कभी बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन मेरा एक्टिवा का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया नंबर प्लेट लगवाना और जो प्रोटेक्शन गार्ड्स इंस्टॉल करना बस, बिकॉज बाद में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आज जाने का प्लान था एक्चुअली तो देखा तो आज टाइम नहीं हुआ, पापा बोला कि भी कहीं जाना है इसलिए कल ही मैं जाऊँगा। तो अगर मैं कर पाऊँगा तो ब्लॉग अगर मैं कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा एज प्रॉमिसिंग यू एवरीवन, मतलब काइनेटिक फंड का ब्लॉग में करूँगा जो नंबर प्लेट भी लगेगा मेरा काइनेटिक में एक्टिवा में। तो स्कूटी में लगेगा तो एक्टिव के बाद तो हुआ बात, तो डैड ने बोला ठीक है। तो उसके बाद काइनेटिक फंड जो मतलब अपन ने ब्रांड न्यू लिया था सबको पता है 1997 से, उसके बाद जो होता है मतलब अपने फोर व्हीलर जो है वैगन आर तो वो छोड़ो बात है। तो मम्मी पापा गया था ठाकुर बड़ी में उस दिन, तो उसके बाद मैं अकेले स्कूटी में हमारे पापा मम्मी कार से चले गए, मेरा तो दिमाग मतलब पूरा खत्म ही हो चुका था उसको। तो उसके लिए मतलब क्या बोलूँ इतना मतलब समझ में आया इतना प्यार कैसे है। तो एक जन ने तो मतलब बोल ही दिया मतलब क्योंकि सर बोला था एक बार ट्यूशन में बात हो रहा था वो कैनेडिक की उसने 35 ईयर ओल्ड बट 35 होने वाला है अराउंड, मैं भी 34 ही बोलो। तो बोल रहे बाबा इतना उम्र मतलब मेरा उम्र 18 साल का सबको पता होगा, तो 18 साल 35 होने वाला है मतलब अराउंड मतलब 17 साल का डिफरेंस दोनों का एज, मतलब वो बड़ी है इतना साल मतलब फिर भी इतना कर। तो एक दिन तो अच्छा ही कमेंट कर दिया, अच्छा लगा सुन के कि लव डज नॉट हैव एनी डज लव नॉट हैव एनी एज, मतलब प्यार का किसी कोई उम्र नहीं होता, दिल से प्यार होता है जो मेरे साथ। तो वही हालत है मतलब मेरे जो माशूम का था, तो मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट दिया था मतलब मेरे को ये अच्छा लगा कि आप लोग मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। तो एक जन मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलोअर मेरे को पूछ रहा रॉडनी वेगस बोल के, रॉडनी वेजेस में क्या नाम पता नहीं उसका प्रोनाउंस नहीं करता, तो वो मुझे बोल रहा था जो देखा लिखा था मैंने इंस्टाग्राम में यूट्यूब में भी दिया था ओल RIP बोल के। तो एक जन ने तो पूछ लिया जैसे पूछ लगा कि उसका कुछ हो गया काइनेटिक का, मैं इतना मुझे सपोर्ट कर रहा है आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट गाइस। सो उसके बाद बोला क्या हुआ था, मैंने बोला कि ये हालत हो गया ओ माय गॉड ये सब बोल। तो एनीवेज उसके बाद काइनेटिक फंड जो हालत हुआ तो मैकेनिक आया। तो अभी अनफॉर्चुनेटली एक बात बोलूँगा तो जो इंजन जो अब आने वाला है ये ब्रांड न्यू नहीं मिलने वाला, यूज्ड मिलेगा मतलब मल्लिक बाजार का नहीं, मतलब ये है जो होता है ना बहुत जन आदमी हम लोग के एरिया में हम लोग के लाइफ में होता है जो लोग मतलब स्कूटर खरीदते हैं मतलब यूज़ नहीं करते मतलब पड़ा हुआ रहता है, जैसे मेरा मतलब वैगन आर जैसा मतलब जो मैंने लिया था यूज में सेकेंड हैंड लेता सबको पता है पर उतना यूज़ नहीं हुआ था अराउंड कितना उसका 16,000 किलोमीटर का रन किया था मेरा गाड़ी मेरा जो वैगन आर 16,000 कितना 500 समथिंग 16,500 समथिंग मेरा रन किया था मेरा वैगन आर। तो जो होता है ना मतलब याद नहीं है मेरा अभी दिमाग खराब चुका है। तो एक जन के पास बोला है कोलकाता में ही मिल रहा है, तो एक जन के पास मतलब वो लोग वही डील करते मतलब जो होता है ना जो विजय स्टूडियो जो उसका मैं नंबर दिया था केरल का लड़का उसकी तरह उसका भी वही काम है, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना खरीद के उसको उसका पार्ट्स खोल खोल के बेचना। तो उसके बाद प्रदीप आपको गया गया और देखा कि बहुत कम चला है गाड़ी ओनर, मैं ओनर चलाता ही नहीं था मतलब मेरे दादू की तरह ही काम
शायद पागल ही आदमी होगा, जिस मेरा दादू जो मारुति फैन जो था हम लोग का, जो पुष्पा वाला ओमनी, जिसको मैंने बोला था ना मैं दादू चलाता ही नहीं था, मैं पड़ा हुआ रहता था। उसके बाद 15 साल के बाद तो वो सिर्फ 8,000 ना 6,000 ऐसा 6 से 8,000 तक चलाता गाड़ी, गाड़ी यूज़ ही नहीं हुआ था। उसका छोड़ा दादू अफसोस करने लगा, वो दूर की बात है। तो वही मतलब दादू का मतलब हाथ वही वैसा, उसका भी वही हालत। तो मेरे को क्या, मेरा गाड़ी का इंजन रेडी हो जाएगा, रेडी टू रूल द वर्ल्ड। तो यही मेरा खुश खबरी, मेरा को अंदर से रॉकिंग मूड है, मतलब बहुत अच्छा मूड में हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा तबीयत की वजह से मैं आई एम नॉट इन रॉकिंग मूड, तो मैं दिल से हैप्पीनेस बोल भर गया, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने काइनेटिक होंडा के लिए सो मतलब काइनेटिक होंडा का इतना अच्छा, मतलब मैं मतलब एक गहरा नाता है, तो इसीलिए उसके बाद जो हुआ तो वो बोलती है मैंने, तो आप लोगों का वीडियो आएगा कैनेडी का नेम चला सकते। एक जगह पूछा कि वो जो वाइजर मैंने जो लगाया था, लगाया ना एल्यूमिनियम मेड, तो वो कितने का है, तो वो मुझे पता नहीं हुआ। तो वो सच बोलूँ तो मेरे को फ्री में वो दिया था, एक कस्टमर का बनवाया था, मेरे को दिखा रहा था ये देखो ये वाइजर है, तो ये देखो मैंने कस्टमर का, मैंने को लगाया वाह क्या बजा मुझे चाहिए। तो प्रदीप काकू ने मेरे ऊपर लगा दिया, मेरे को लगा कर उस कस्टमर को झूठ बोल दिया, वो मिला ही नहीं, झूठ बोल के तरह छूट गया मेरा। मतलब उसको बोला कि उसको मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पीडोमीटर थोड़ा मिला है बस, बोल कर उसको अटका दिया। वो भी सेम बोला जैसे भाई साहब मेरे बोला, मेरे को था, तो वो मेरे को लाया उससे दूसरे दिन, मतलब वो रंग भी वो खुद के अपने पैसे से मतलब रंग भी कर दिया। वो था अराउंड क्या कलर, ये जो काट का जो वुडन कलर है ना, वुडन कलर वैसा था। तो उसके बाद पति काकू ने वो कलर कर दिया, क्या है जो ये कलर ब्लैक। मतलब मैंने मतलब ये बात सोचो कि मैंने हम लोग से पैसा लेके वैसा नहीं है, मतलब प्रदीप काकू मैंने कुछ नहीं बोला था, वो खुद ही मतलब आके कर लिया। मतलब मैंने तो सिर्फ बोला था, मतलब वो मुझे बोला था, मैंने सोचा स्प्रे कैन लाऊंगा तो मिल नहीं रहा था, चलता मान भी जहाँ से लेता हूँ। तो उसके बाद प्रदीप काकू आया आके, उसके बाद स्प्रे कैन मेरा नया लाया। तो लाने के बाद उसके बाद स्प्रे कैन जो है मतलब स्प्रे कैन लाया, स्प्रे कैन में जो एक रंग होता है, रंग डब्बे में रंग ला कर उसको अच्छे से मस्त पेंट कर दिया गाड़ी को। मैं वो चकाचक कर दिया उसका जो वाइजर, वो इतना मस्त दिखता तो दिख रही है और टाइप का वाइजर। तो बहुत जन बोलते कहाँ से तू बनाए हुए कस्टम मेड, तो यही हालत है। तो वो कस्टमर का गाड़ी वहाँ से बोल रहे कि बहुत कम चला है, अराउंड 2 से 3 हज़ार ऐसा चला है, नहीं तो 200-300 ना ऐसा ही कुछ होगा। बोला वैसा गाड़ी है, हाँ ठीक है लगा दो, मेरा भी जितना जल्दी हुए भाई मैं अपना मास्टर का चला पाऊँगा। उसके इंजन साउंड सुन के जवानी आएगा, और उसका इंजन साउंड में इतना कड़क साउंड लगा, वो जो मतलब वो जो मैंने सब सुन के 2 स्ट्रोक एक इमोशन है वो सब बोलूँ तो, जो एग्री करता है एग्री कौन करता है पता नहीं, बट मैं तो एग्री करता हूँ। 2 स्ट्रोक जो है ना इमोशन है अपना, मतलब 2 स्ट्रोक में जब चलाने का मज़ा है ना, जो सुकून मिलता है ना, वो किसी में नहीं, एक्टिवा में नहीं। और 2 स्ट्रोक इज 2 स्ट्रोक भाई, उसके सिवा कोई नहीं है। तो काइंडली जब चला दो ना अलग ही फील होता है, रंग 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 वो ट्यून जो होता है ना गाने के लिए सारे गावा, मतलब एक अलग ही ट्यून होता है उसका, मतलब एक वो मंदिर में सुकून के साथ है। अगर जिसको जो एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना ये सुनो। तो एनी वेज तो इतना सा वीडियो था, तो जब इंजन लगाएंगे प्रॉमिस आई मेक अ वीडियो। इंजन सेट मिला है तो वो बोल रहा है मतलब अरे वो जो है ना मतलब जो 4 व्हीलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर तो वो 2 व्हीलर से यूज़ नहीं किया था, उसमें इंजन मिला है। तो अब चलो तब तक के लिए अभी हो गया मेरा वीडियो इतना सही बोलने का था। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू एज यूजुअल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यूजर कीजिए किसी वन एंड डोंट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉलो माय फेसबुक किसी वन एंड डोंट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट किसी वन अंडरस्कोर ऑफिशियल।